वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। आई एम योर मैथ्स टीचर एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथ्स ऑफ क्लास 3। एंड टुडे वी कंटिन्यू चैप्टर 8 फ्रैक्शंस। एंड टुडे वी डू एक्सरसाइज 8.4 पार्ट 2। So now see in the book, this is your maths book, maths of class 3. Now open exercise 8.4. Now see here, this is the exercise 8.4 and page number 72. A part we already done. Now today we do B and C part. So let's see B part. Find the sum of the following. देखो यहाँ पे fractions दिए हुए हैं, इनको हमें किसका साइन लगा हुआ है बीच में? प्लस। तो हमें इनको प्लस करना है। तो बहुत आसान है, आप एक बार बहुत ध्यान से देख लीजिए, आपको पहली बार में ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सी इन दिस नोटबुक बी पार्ट, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है आपकी बुक में, ये मैंने यहाँ पे नोटबुक में लिख लिया। इसी के आगे बच्चों आपको इक्वल लगाना है। ये लिखने के बाद इसी के आगे आपको इक्वल लगाना है। अब देखो नीचे 7, 7, 7 सब एक जैसे नंबर हैं, तो हम क्या करेंगे, एक बड़ी सी लाइन ऐसे आप बनाओगे और बीच में लिखेंगे यही नंबर। हम यहाँ बीच में सिर्फ एक बार लिखना है, वन टाइम। 7 है तो 7 सिर्फ हम वन टाइम लिखेंगे। अब ऊपर वाले नंबर देखो जो भी हैं, पहले क्या है 3, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब ये किसका साइन है? प्लस, तो प्लस लगा देंगे। अब ये क्या है? 1, तो 1 लिखेंगे। अब ये क्या है? प्लस, तो प्लस लिखेंगे। अब ये कौन सा नंबर है? 2, तो हम यहाँ 2 लिख देते हैं। देखो ये फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया है ना। अब आप इस तरह से लिख सकते हो। अब तो आपको आगे सोचेंगे, अरे बस ऐसे ही लिखना है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप, अब फिर से आप इक्वल लगा दीजिए। अब हम क्या करेंगे, मान लो इसे मैंने छुपा दिया, तो अब आप इन तीनों को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो चलो प्लस करते हैं। 3 और 1 कितने हो गए? 4। 4 में 2 और मिला दो, यानी प्लस करेंगे हम, तो कितने हो गए? 6। तो हम यहाँ ऊपर लिखेंगे 6। अब हमने क्या छुपाया था? 7। अब इसकी आंखें खोल दो, तो अपॉन 7, ये हो गया आंसर, है ना। लुका छुपी का गेम हमने खेल लिया। तो इसी तरह से हम आपको आगे ऐसे करें, इसी तरह से करेंगे। देखो आप सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम, इसके आगे सबसे पहले क्या लगाते हैं? इक्वल। अब ये सब 8, 8 हैं, चलो इनको हम पहले एक बड़ी सी लाइन हम ऐसे बनाएंगे। अब ये 8 है नीचे, तो यही नंबर हम यहाँ पर बीच में लिखेंगे, ये लाइन के बीच में लिख दिया। अब आ जाओ ऊपर वाले नंबर, ओ ये ऊपर हैं, चलो इनको हम एक साथ यहाँ पर लिख देते हैं। पहले 2 लिखेंगे, फिर प्लस 4 का नंबर, प्लस अब 1 बोला, 1 मैं भी तो आऊँगा, इसे भी बुला लो। इन तीनों को हमने यहाँ पे बुला लिया, हो गए। अब इसकी आंखें बंद करो, 8 की बंद कर दी, हम गेम खेल रहे हैं ना, इसकी आंखें बंद कर दी।
अब ये तीनों क्या होंगे, एक साथ मिल जाएंगे। तो टू और फोर कितने हो गए, सिक्स। अब सिक्स में वन को भी प्लस कर दो, सेवन। अब यहाँ इक्वल लगा देंगे हम और यहाँ लिखेंगे सेवन। अब इसकी आंखें खोलो, खोल दी, कौन सा नंबर निकला, एट। तो अपॉन एट, यही नंबर हम यहाँ लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, इक्वल लगा देंगे हम, फिर एक बड़ी सी लाइन खींचनी है। अब नीचे कौन सा नंबर है, ये थर्टीन। तो बीच में हम थर्टीन लिखेंगे। अब ये ऊपर वाले नंबर्स हैं, तो यहाँ से लिखना हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे टू। अब ये प्लस, सिक्स, फिर प्लस वन। अब यहाँ पर इक्वल लगा दो और थर्टीन की आंखें बंद कर दो। आंखें बंद कर दी हमने, चलो अब जल्दी से इन तीनों को आपस में मिला दो। टू और सिक्स कितने होते हैं, एट। फिर उसमें वन और प्लस कर दो, नाइन। तो यहाँ लिखेंगे नाइन। अब इसकी आंखें खोल देंगे, खोल दी, कौन सा नंबर निकला, थर्टीन। अपॉन थर्टीन, सो दिस इज द आंसर। बच्चों ये आपको अपॉन की लाइन जो है ये जरूर आपको लगानी है। अगर आपने सिर्फ नंबर लिख दिया ऊपर और नीचे, ये लाइन नहीं बनाई, तो ये आपका सब सारी मेहनत बेकार, सब गलत हो जाएगा, है ना। इसलिए ये अपॉन की जो लाइन है यहाँ और यहाँ, ये आपको जरूर लगानी है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। इसमें भी अब तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों की किस तरह से करना है। चलो हम थोड़ा स्पीड में करते हैं। अब नीचे सब क्या है, फाइव। तो पहले हमने एक बड़ी लाइन बनाई और बीच में लिखा फाइव। अब इन तीनों को हम लिखेंगे टू प्लस वन प्लस वन, फिर इक्वल। अब इन सभी को प्लस कर देंगे, इसे छुपा दो। टू और वन थ्री और वन फोर। अब आंखें खोल दी, अब इस फाइव को अपॉन फाइव, दिस इज द आंसर। इसी तरह से करेंगे, इक्वल सेवन है ये, सेवन लिखेंगे। अब इनको प्लस कर देंगे, वन प्लस टू प्लस वन इक्वल। अब इनकी आंखें बंद करो, इन सबको प्लस कर दो, वन और टू थ्री, थ्री और वन फोर, यहाँ फोर लिखेंगे और ये सेवन नीचे। सो दिस इज द आंसर। इक्वल लगा देंगे, इक्वल जरूर लगाना है यहाँ भी और यहाँ भी। तो पहले अपॉन की लाइन, अब यहाँ क्या है 15, तो बीच में हम 15 लिखेंगे। अब ये नंबर्स ऊपर लिख लेंगे, 3 प्लस 5 प्लस 6, फिर इक्वल। इसे छुपा दो, इन सबको प्लस कर लो। अब 3 एंड 5 8, 8 एंड 6 14, तो यहाँ 14 और नीचे 15 लिख देंगे हम। या अपॉन की लाइन करनी है तब 15, दिस इज द आंसर। तो बच्चों अब तो आप इनको कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं हम, बहुत आसान है ना, कितना इजी है। चलिए अब हम करेंगे सी पार्ट। पहले आप बुक में देख लीजिए सी पार्ट। सी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे बॉक्स बने हुए हैं, इन बॉक्सेस में हमें नंबर लिखना है। तो ये नंबर हम कैसे लिखेंगे, देखिए। ये हमारा सी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें हमें नंबर लिखने हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है देखो 2/7, देखो यहाँ पे भी 7, यहाँ भी 7 है, तो हमारा ये आंसर है। बच्चों ये बार आंसर हमारा कैसे आता है, ऊपर वालों को प्लस करने से ही तो आता है ऊपर। तो यहाँ पर देखिए ऊपर कितना है 6, अब हम 2 में यहाँ पे कौन सा नंबर आना चाहिए, तो ये दोनों मिलकर 6 बन जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 6 में से 2 को माइनस कर देंगे, तो 6 में से हम 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 4, ये आ जाएगा 4। अब देखो चेक करो 2 और 4 कितने होते हैं, 6, देखो यहाँ पे आ गया 6। इसी तरह से अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ नंबर कितना है 8, अब हमें 3 के साथ यहाँ पे कौन सा नंबर प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो देखो बहुत इजी तरीका है, 8 में से हम 3 को माइनस कर दो तो नंबर कितना बचा, 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। अब चेक कर लेते हैं 3 और 5 कितने होते हैं, जहाँ हम प्लस करेंगे 8, तो 8 आ गया, मैंने सही है करेक्ट। अब यहाँ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में, अब देखो ये प्लस ये दोनों नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, अभी हमें यहाँ पे इक्वल के बाद है ना आंसर करना है, तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 11+17 तो ये हो जाएगा 28। और नीचे तो लिखा हुआ है क्योंकि इन दोनों को प्लस करके तो हम यहाँ पर लिखते हैं। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अब यहाँ पे फिर हमें बताना है कि 1 के साथ प्लस करना है, तो इक्वल के बाद नंबर है 8, 8 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 7, तो हम यहाँ 7 लिखते हैं। अब जरा हम चेक तो कर लें, 1+7 कितने हो गए दोनों मिलकर, 8, 8 आ रहा है यानी कि सही है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ देखिए प्लस में दोनों नंबर लिखे हुए हैं, तो 10 और 7 को हम दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 17। इसी तरह से देखिए 6 क्वेश्चन, अब देखो बच्चों 7 और 12 कितने होते हैं, 19, ऊपर तो लिखा हुआ है, अब नीचे यहाँ पे कौन सा नंबर लिखते हैं बच्चों, हम ये जो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है यही नंबर हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि नीचे वाले नंबर तो सेम ही रहता है। तो इस तरह से ये जो है C-bar फिलिंग द ब्लैंक्स हम सेम इस तरह से करेंगे। तो ये अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा यहाँ तक, सो योर एक्सरसाइज 8.4 पार्ट 2 इज कंप्लीटेड एंड योर एक्सरसाइज इज ऑल्सो कंप्लीटेड, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।